नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल जगत हिताय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ बाल कवि सम्मेलन। पाठ शुरू करने से पहले हम सबसे पहले शब्दार्थ कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ कि हमें शब्दार्थ ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे हमारा शब्दकोश अच्छा हो जाता है और हमें उस भाषा को समझने और पढ़ने में आसानी होती है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। तो बच्चों, अब हम चलते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पर। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पाठ में हमेशा शब्दार्थ कर लेने चाहिए। तो ये शब्दार्थ हैं, इनको आप सबसे पहले याद कर लीजिए। मैं हमेशा हर लेसन में यही बच्चों को बताती हूँ कि आप सबसे पहले शब्दार्थ कर लेंगे। अध्य, नीचे, डाउनवर्ड्स, कोलाहलम, शोर, नॉइस, काव्य हंतरा, काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोइट्री, काल या आप कहा समय बर्बाद करने वाले, धुरंधर है, अग्रणी, श्रेष्ठ, यही आए आइए। अगर आप इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी साथ में आप देख लीजिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यही आए आइए, मैं अभी इंग्लिश में नहीं बता रही क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है। करतल ध्वनि नाम तालियों से, अरसी के भय नीरस जनों को, सबकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, तुंदुस्से तोंद के आवर्तन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परानम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक है पुष्टि देने वाले, नम लौटना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित है प्रेरित होकर, श्रावयति सुनता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। तो ये हैं शब्दार्थ, इनको ये तकरीबन आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये सभी शब्द जो है हिंदी से मेल खाते हुए ही होते हैं। थोड़ा सा फर्क ये होता है कि विसर्ग और हलंत लगे हुए होते हैं, तो उनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। विविध वेशभूषा धारिण है चत्वारे बाल कविय, मंचस्य उपरी उपविष्टा संति, विविध तरह की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंचस्य, मंचस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, मंच के ऊपर, उपविष्टः, उपविष्टः में बहुवचन ये लगा हुआ है उपविष्टः, जैसे चत्वारा चत्वारा चार और उसके साथ ये उपविष्टः, संति, संति मतलब ज्यादा हैं, तो इसलिए हम संति लगाएंगे। एक है तो अस्ति लगाएंगे, दो है तो स्तः लगाएंगे और ज्यादा हैं तो हम संति लगाएंगे। तो ये बातों को भी आपको साथ ही साथ समझना है। अध्य श्रोत्र है हास्य कविता श्रवणाए उत्सुकः संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे, अध्य मतलब नीचे, श्रोत्र हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल यानी कि शोर कर रहे हैं, कुर्वंती, कुर्वती, कुर्वतः, कुर्वंती, इसका इस तरह से चलता है। तो ये बहुत बहुवचन है, बहुत सारे श्रोता हैं, इसलिए कुर्वंती क्रिया भी उसी प्रकार से आएगी। अब संचालक बोलता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करें, अलम मतलब मत करें, मत करें। अध्य परम हसस्य अवसरे यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतरा काल्याप्काश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः सम आगता संति। आज बहुत हर्ष का विषय है कि कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले, काल्य का मतलब है
कि समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि समागत है मतलब आए हुए हैं। एही करतल धवनी नाम वयम एते श्याम स्वागतम कुर्मे। आइए हम ताली बजाकर, करतल ध्वनि का मतलब होता है हाथों की ध्वनि, यानी कि ताली बजाकर हम इनका एतेषां स्वागतम कुर्मे करें, इनका स्वागत करें। तो गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। अब गजाधर बोलता है कि सभी अरसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमे तावत अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। तो पहले मैं आधुनिक वैद्यों के बारे में काव्य सुनाऊंगा, अपनी कविता सुनाऊंगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज समहोदरम सहोदरम यम स्तु हरति प्राणम वैद्य प्राणम धनानी च। तो इसका अगर हम अन्वय करें तो इस प्रकार से होगा, वैद्यराज यमराज सहोदर तुभ्यम, पहले आ जाएगा नम, वैद्यराज यमराज के भाई सगे भाई आपको मेरा नमस्कार। यम तु, और इसका अगले का होगा यम तु प्राणान हरती, यम तु प्राणान हरती, यम तु प्राण प्राणों को लेता है, परंतु वैद्य प्राणान धनानी च हरती। तो इसमें वैद्यन प्राणान धनानी च हरती, और वैद्य जो है प्राणों को और धन को हर लेता है। इसमें उन्होंने कहा है कि वैद्यराज को यमराज का भाई कहा है, और कहा है कि आपको तो बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि वैद्य जो यम है वो तो प्राणों को हरता है, लेकिन तुम तो लोगों के प्राण भी हरते हो और उनके धन को भी हर लेते हो। सर्वे उच्चे हस्ती, सब जोर से हंसते हैं। कलांतक, अरे वेद्यस्तु सर्वत्र परंतु ना ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अब कलांतक कवि की बारी आती है और वो ये कहता है वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु मेरी तरह जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं होते। तो आप मेरी कविता इदम श्रवणतुम भवंतः, तुम मेरी कविता आप सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय अगता, नाहम गतो नामे भ्राता कस्य एदम हस्तलाघवम। तो इसमें हम अगर अन्वय करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, प्रज्वलिता चिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मय आगता, विस्मय में आ जाता है, ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना मैं गया ना मेरा भाई गया, कस्य एदम हस्तलाघवम, ये किसका लाघवम अस्ति, ये किसका हाथ की सफाई है, ये किसके हाथ की सफाई है। तो जलती हुई चिता को देखकर वैद्य डॉक्टर जो है वो विस्मय में आ जाता है, ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर हंसते हैं। आ जाती है तुंदले की बारी। तुंदले कवि क्या कहता है, तुंदस्य उपरी हस्तम अवर्त्यन, अपनी तोंद पर हाथ को फेरते हुए बोलता है, तुंदलो अहम भो मम अपि हे भाइयो, मैं पेटू हूँ। तुंदलो मतलब मैं पेटू हूँ, मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी काव्य सुनिए, जीवने धारयताम च, अपने जीवन में धारण कीजिए। तो वो क्या कहता है, परानम प्राप्ते दुर्बुधे मा शरीरे दयाम करु, परानम दुर्लभम लोके श्रीराणी पुने पुने। दूसरों का इसका अन्वय हम करते हैं तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, दुर्बुधे परानम प्राप्य शरीरे दया मा करु,
दया मा कुरु। अब नीचे का होगा लोके परानम दुर्लभम, लोके परानम दुर्लभम श्री राणी तू पुने पुने, परानम लोके परानम दुर्लभम भवती श्री राणी तू पुने पुने मिलंती। तो उसका कहने का मतलब यह है कि प्रायः भोजन जो है हे दुर्बुद्धि, प्रायः भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो, प्रायः भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। इस लोक में प्रायः अन्न बहुत दुर्लभ होता है, और लेकिन शरीर तो फिर दोबारा दोबारा से मिल ही जाता है। सर्वे पुनः अठासम कुर्वन्ती, सब हंसते हैं। अब आगे आ जाती है चरवाक कवि की बारी, तो वो क्या कहता है, आम आम श्री रस से पोषणम सर्वदा उचितम एव। हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो सदा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्थ एव भोक्तव्य। तो वो क्या कहता है कि यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर शरीर के लिए पौष्टिक पदार्थ खाओ। तथा कथ्यति चरवाक कवि, और वो ये कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत। तो वो क्या कहता है, जब तक जियो सुखी जियो और ऋण कृत्वा ऋण लेकर घी पियो। तो इसमें हमारी जो अन्वय है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ हमें च एक यहाँ च लगेगा बस, बाकी और कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। तो वो ये कहता है, जब तक जियो सुखी जियो और ऋण लेकर घी पियो। श्रोत्रा तरी ऋण से प्रत्यर्पणम कथम। तो श्रोत्रा जो है सुनने वाले हैं वो कहते हैं, तब ऋण को वापिस कैसे करेंगे। तो चरवाक कहता है, श्रुयतम मम अवशिष्टम काव्य, सुनो मेरा शेष काव्य। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रतर्पयेत जनः। वो कहता है, घी पियो श्रम करो और ताकतवर बनो और ऋण को वापिस करो। ऋण लेकर घी पियो और ऋण को ताकत पाकर ऋण को वापिस करो, और उसी से आपकी ऊर्जा लौट आएगी काम करने की, फिर आप अपना ऋण वापिस करो। काव्य पाठ चरणेन उत्प्रेरित एक बालको अपी आशु कविताम रचयति हासपूर्वक च श्रावयति। काव्य पाठ को सुनकर उससे प्रेरित होकर एक बालक भी बालको अपी आशु कविताम उसी समय कविता को रचता है और हास्यपूर्वक च श्रावयति और हंसते हुए सुनाता है। बालक है जो बच्चा पोयम बनाता है उसी समय बनाता है कविता, और फिर वो क्या सुनाता है, श्रुयताम श्रुयताम भो मामपि काव्य, सुनो सुनो मेरा भी काव्य। गजाधरम कवि च एव तुंदले तुंदिलम भोज्य लोलुपम कलांतकम तथा वैद्य चरवाकम च माम्यहम। तो वो क्या कहता है, गजाधर कवि और तुंदिल भोजन का लालची, तुंदिल कवि और कलांतक तथा वैद्य चरवाक, इन सबको मेरा नमस्कार। काव्य श्रेय विद्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ती, और काव्य को सुनाकर वो हा 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 करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सब घर को जाते हैं। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। इसमें है प्रश्न एक, उच्चारण कुरुत है, तो हमने इसे सिर्फ पढ़ना है, और इसको कैसे पढ़ा जाता है ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ऊपरी
निश्चय कदापि कुत्र अध्यय बहि अंत कदा उच्च अलम पुनः एकदा। तो इस तरह से आप उच्चारण करना भी साथ साथ सीखिए। अब अगला प्रश्न है, मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानी पूर्यत। तो ये जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर और नीचे वाक्यों में इनको पूरा कीजिए। तो ये मैंने किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको। वृक्ष उपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करे। वर्षा काले गृहात बही माँ गच, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाएं। मंचस्य अध्याय श्रोत्रा उपविष्टा संति, मंच के नीचे श्रोत्रा बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से अंत प्रविशन्ति, अंत मतलब अंदर, छात्रा विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, अशुद्ध पदम चितुतः। तो ये है क गमन्ति यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति। तो इसमें गलत कौन सा है? तो गमन्ति गलत है, यच्छ धातु होती है, पृच्छ धातु होती है, धाव धातु होती है। तो ये गमन्ति नहीं होता, गच्छन्ति होता है, गम का गच्छ हो जाता है। रमेण गृहेण सर्पेण गजेण, तो इसमें गजेण गलत है, तो गजेण नहीं होता। लतया मतया रम्या निश्या, तो इसमें मातया गलत है। लते रमे माते प्रिये, तो इसमें माते गलत है। लिखती गरजती फलती सेवती, तो इसमें सेवती गलत है। तो इस तरह से ये है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। प्रसन्नतायाः चिकित्सकम् लब्ध्वा शरीरस्य दक्षा। तो ये शब्द हैं, इनको इसमें हमने समानार्थक, इसी के समान अर्थ वाला ही शब्द इसके सामने लिखना है। तो प्राप्य प्राप्त करना, लब्ध्वा भी प्राप्त करना, कुशला दक्ष, हर्षस्य प्रसन्नताया देहस्य शरीरस्य वैद्यम चिकित्सकम्। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका एक ही पद में एक ही शब्द में आंसर देना है। तो जहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आए तो आपको एक ही शब्द में इसका आंसर देना है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा संति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? तो कितने हैं? चत्वारः। के कोलाहल कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कौन कर रहा है? तो श्रोत्रा सुनने वाले। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किस उद्देश्य से काव्य प्रस्तुत, किस उद्देश्य के बीच में काव्य प्रस्तुत करता है? तो वो आधुनिक वैद्यम, आजकल के डॉक्टरों के बारे में। तुंदले का सुप्री हस्तम अवर्तती, तुंदले किसके ऊपर हाथ फेरता है? तो वो तोंद पर फेरता है ना, तुंद से। लोक के पुने पुने कानी भवंती, लोग दोबारा दोबारा क्या धारण करते हैं, उनको क्या मिलता है? शरीराणी। किम कृत्वा दितम पिबेत, क्या करके घी पी सकते हैं हम? तो ऋण लेकर। किम कृत्वा ऋण लेकर, ऋण वर्ड आएगा यहाँ पर। तो अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, मंजूषात पदानी चित्वा कथाया पूर्ति कुर्वन। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर ठीक जगह पर लगाकर और आपको ये
बनाना है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कहानी सी दी हुई है, इसको आपको पूरा करना है। अब प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानि योजत। अब इसमें पहले समानार्थक थे, अब विलोम शब्द। तो जैसे अध्य, अध्य का अर्थ होता है नीचे, तो इसका उल्टा होगा ऊपरी। अंतः, अंतः का मतलब अंदर, अंदर का उल्टा होगा बही, बाहर। दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, उच्चे, नीचे, दुर्लभम, सुलभम। तो अब हम करते हैं ध्यावतम। ध्यावतम में इसमें बोला है अस्मिन् पाठे अध्य अंत बही नीचे पुने इत्यादि अव्यय पदानि सन्ति। ये सब अव्यय शब्द हैं। एषां त्रिषु लिंगेषु, इसमें तीनों लिंगों, तीनों वचनों, त्रिषु वचनेषु, सर्वाशु भक्तेषु, सभी भक्तियों में एक एवं रूप भक्ति, एक ही रूप होता है, विकारो न जायते, तो इसमें बदलाव नहीं आता। तो ऐसा कहा भी गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वाशु च विभक्तिषु, तीनों लिंगों में, सात विभक्तियों में और सभी वचनों में जो समान रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता और ना घटाया जोड़ा जाता है, वह अव्यय कहलाता है। तो बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका ऐसा करने से हमारा उत्साह बना रहता है और हम और आगे और मेहनत से इस पर काम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।